हेलो स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं बीए सेकंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर है उसको, यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर है, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर है प्लेटो। अब प्लेटो के दो तीन पार्ट हो चुके हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो अच्छे से पढ़ना है ताकि दिमाग में क्लियर रह जाए। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षा यानी प्लेटो ने अपने अकॉर्डिंग राज्य के लिए या राज्य में नागरिकों के लिए शिक्षा के किस तरह की व्यवस्था की है उसके बारे में बताया यहाँ पे। तो आप सभी ध्यान रखेंगे, शिक्षा के बारे में ये जो प्लेटो का जो सिद्धांत है या प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है वो एग्ज़ाम में बहुत बार आती रहती है। तो इससे पहले आपको ये पता होगा प्लेटो की सबसे फेमस पुस्तक कौन सी है, रिपब्लिक, ठीक है ना। रिपब्लिक कंसर्निंग ऑफ जस्टिस, जिसका एक अन्य नाम भी है, वो आप ध्यान रखेंगे। और इस बारे में, रिपब्लिक के बारे में रूसो ने क्या कहा था, रूसो ने कहा है रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी ये रिपब्लिक है वो राजनीति शास्त्र का तो ग्रंथ हम इतना नहीं मान सकते, लेकिन शिक्षा पर लिखा गया यह आज तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ऐसा किसने कहा, रूसो ने, आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति के बारे में। तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि एथेंस में किस तरह की शिक्षा थी और स्पार्टा में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि प्लेटो उस समय था तो उसने इन दोनों स्थानों की शिक्षण व्यवस्थाओं को देखा था और उसका खंडन करते हुए अपनी शिक्षण व्यवस्था के बारे में समझाया था, और वही आज हम देखेंगे। उससे पहले एथेंस की शिक्षा पद्धति को हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये यूनानी राज्य है एथेंस और स्पार्टा। तो उस समय उन्होंने इन योजनाओं यानी कह सकते हैं इन शिक्षा पद्धति के बारे में बताया था और फिर कहा था कि ये परिपूर्ण नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना है एथेंस में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। मतलब एथेंस में क्या होता था, आप सिंपल से एक ध्यान रखना है, जैसे एथेंस राज्य है तो प्लेटो के अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान रखना है कि शिक्षा है वह परिवार की जिम्मेदारी है। शिक्षा देना किसकी जिम्मेदारी है, परिवार की। ना कि राज्य, ठीक है ना। तो इस तरह से यह शिक्षा एक व्यक्तिगत हो जाती है, क्योंकि एथेंस राज्य में क्या होती थी, शिक्षा परिवार केंद्रित थी, यानी शिक्षा देना परिवार का कार्य होता था। इसमें राज्य का कोई रोल नहीं, इसमें राज्य का ना कि राज्य यानी राज्य का कोई रोल नहीं होता था। और यह जो शिक्षा पद्धति, इसके बारे में थोड़ा और आगे जानते हैं। एथेंस की शिक्षा पद्धति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त थी, ठीक है ना। तो अब एथेंस की जो ये शिक्षा की हम बात करें तो ये शिक्षा किस लिए काम की थी, शारीरिक, मानसिक और चरित्र के तौर पे, यानी ये इनके डेवलपमेंट के तौर पे ये जो शिक्षा है व्यवस्थाएं वहाँ पे महत्वपूर्ण थी। और ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो पहले ही बताया कि परिवार में अगर शिक्षा दी जा रही है किसी को, तो परिवार में जब शिक्षा का ये जो माध्यम रहता है उसमें हम ये चाहते हैं कि वो है, वो बच्चा है जो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में और करेक्टर भी अच्छा हो, डेवलप हो जाए। तो ये जो शिक्षा थी वो पारिवारिक केंद्रित थी, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। और ये शिक्षा जो व्यवस्था थी वो एथेंस की शिक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग है। तो इसमें ये भी कहा गया कि शिक्षा देना राज्य का नहीं वरन परिवार का दायित्व होने के कारण शिक्षा राज्य की प्रकृति, उसकी अवस्था के प्रतिकूल थी। इससे अज्ञानी तथा निकम्मे प्रकार के राजनीतिज्ञ उदय हो सकते हैं। इस तरह से कहा कि ये परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस तरह से अच्छे योग्य राजनीतिज्ञ खड़े नहीं होंगे, यानी बनेंगे नहीं, वो निकम्बे राजनीतिज्ञ होंगे, क्योंकि उन्हें राज्य के हित के लिए कोई शिक्षा व्यवस्था या राज्य को परिपूर्ण रखते हुए, राज्य को केंद्रित रखते हुए शिक्षा नहीं दी गई है। ओके, तो अब इसी तरह फिर प्लेटो ने स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया कि स्पार्टा में शिक्षा व्यवस्था किस तरह की थी। तो देखिए, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति के विपरीत यानी थोड़ा अलग थी। पूर्णतया ये राज्य नियंत्रित थी, यानी इसमें स्पार्टा में जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर राज्य का नियंत्रण था, राज्य का नियंत्रण। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, यानी इसमें राज्य पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी शिक्षा देने का कार्य, लेकिन स्पार्टा के अंदर ये व्यवस्था थी कि शिक्षा देने का कार्य है उस, वो जिम्मेदारी किसके ऊपर है, राज्य के ऊपर। परिवार या उस राज्य में शिक्षण व्यवस्था है उसकी देखरेख कौन करेगा, राज्य करेगा। तो ये राज्य का
नियंत्रण होता था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो अलग होगी। अब ये स्पेशली ध्यान रखना, स्पार्टा की शिक्षा के अंतर्गत स्पार्टा चारों और विरोधी राज्यों से घिरा होने के कारण सदैव ही आक्रमण के भय से ग्रस्त हुआ करता था, और इस वजह से यहाँ के लोगों ने और सैनिकों ने एक सैनिक राज्य की स्थापना करने पर जोर दिया, क्योंकि जब आसपास हमले का डर रहता है तो वे ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक को उत्पन्न करेंगे, यानी सैनिक बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो सैनिक व्यवस्था थी वो ज़्यादा प्रमुख थी, और स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी, और जिससे संतान बलवान और पुष्ट हो सके। स्पार्टा के बच्चे को 7 वर्ष की आयु में ही उसके परिवार से ले लिया जाता था सैनिक बनाने के लिए, और राज्य के अधिकारी पूर्णतः संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे उनके लिए। तो अब तक आपने देखा है प्लेटो के दौरान, प्लेटो ने अपने सब कहा है अपने विचारों में कि स्पार्टा की जो शिक्षा है एथेंस की वह पूरी तरह से व्यक्ति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे स्पार्टा की शिक्षा पद्धति राज्य की प्रकृति और आवश्यकता के अनुकूल होती है, किंतु इसका पाठ्यक्रम संकुचित था, यानी अब ये पूरी तरह से व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा कायम नहीं थी, ये संकुचित शिक्षा का केंद्र था। वह शारीरिक परीक्षण की व्यवस्था को श्रेष्ठ मानता था, किंतु मानसिक और बौद्धिक शिक्षा भी जरूरी होती है। स्पार्टा में फिजिकली एजुकेशन बहुत ज़्यादा फोकस था। अब तो प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए अपनी एक नई शिक्षा पद्धति सामने लाई, ठीक है ना। तो नई शिक्षा पद्धति को हम यहाँ पे देख रहे हैं, और वो है यहाँ पे प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में। तो अब आप ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसके बारे में बताइए। तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको ये याद रखना है स्टार्टिंग में 50 याद रखेंगे, और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो की शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रतिक्रिया और व्यक्ति की शिक्षा व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, जिसमें वह राज्य महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, प्लेटो ने अपनी शिक्षण जो योजना है उसको 2 भागों में बांटा है। पहली तो है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी है उच्च शिक्षा। तो ये दोनों आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रारंभिक शिक्षा है वो कब से शुरू होती है, तो 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की जो आयु का जो समय है उस समय को क्या कहा गया है यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा के अंदर कहा है कि 6 से 14 20 वर्ष तक है वह प्रारंभिक शिक्षा का वे रहेगा। अब इसमें किस विषय की शिक्षण व्यवस्था दी जाएगी, तो ध्यान रखना है कि प्लेटो ने कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के जो नागरिक हैं उनमें विशेष से व्यायाम यानी फिजिकल और इसके माइंडली यानी माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मजबूत बनाने के लिए संगीत की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आप ध्यान रखेंगे कि प्लेटो की शिक्षण व्यवस्था में प्रारंभिक शिक्षा है वो कब से कब तक है, 6 से 20 वर्ष तक है, जिसमें प्रमुख केंद्रित विषय होगा व्यायाम और संगीत। अब ये ध्यान रखना कि 6 से 18 वर्ष तक जब वो शिक्षा प्राप्त करता है इस बारे में, तो इसके बाद उसके 2 वर्ष यानी 6 से 18 हो गया, 18 के से लेकर 20 तक यानी जो 2 वर्ष का जो समय है, इन 2 वर्ष में उसको और ज़्यादा विशेष उस विषय पर फोकस करवाया जाता है। तो इस बारे में आप आगे देखिए कि 18 वर्ष तक संगीत और व्यायाम की उपयुक्त शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद फिर 18 से 20 वर्ष तक उसमें साहस आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बनाने के लिए शिक्षा कौन सी दी जाती है, फिर सैनिक शिक्षा। यानी बाद के 18 से 20 वर्ष यानी बाद के 2 वर्ष उसकी सैनिक शिक्षा प्रदान की जाती है, और इसी के साथ उसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने का प्रयास किया जाता है। अब आप ध्यान रखिए कि 20 वर्ष तक ये शिक्षा हो गई, अब जब वो आगे आएगा तो उस शिक्षा के अंतर्गत उसको दाखिला दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे सभी कि 20 वर्ष के उपरांत उनका एक एग्जामिनेशन होता है, एक एग्ज़ाम होता है, एक प्रश्न होता है, ठीक है ना, क्योंकि 20 वर्ष पूरी हो गई, अब कितना सीखा है, अगर वह उत्तीर्ण होता है तभी वह उस शिक्षा ग्रहण करेगा। अगर 20 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका एग्जामिनेशन होता है और वह सफल नहीं होता है,
ठीक है ना, यानी असफल हो जाए तब उसे कौन सी कैटेगरी के अंदर भेजा जाता है, या तो वो सैनिक बनेगा या उत्पादक वर्ग, मतलब व्यापार वगैरह करेगा, व्यापार वाणिज्य वगैरह जो होता है, ठीक है ना, वो करेगा। तो ये ध्यान रखना, प्राथमिक शिक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति को ही उस शिक्षा प्रदान होती है, अदरवाइज वो क्या करेगा, सैनिक या उत्पादक वर्ग से संबंधित अपना व्यवसाय सुनेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं उस शिक्षा के अंतर्गत। उस शिक्षा वही शिक्षा ले सकता है या प्राप्त कर सकता है जो कुछ समय के उपरांत उसकी बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा ली जाती है। अब इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद उसका जो समय है वो कौन सा रहेगा, ध्यान रखना, 20 वर्ष से शुरुआत होगी उस शिक्षा और 30 वर्ष तक चलेगी, 20 से लेके 30 वर्ष तक ये उस शिक्षा का समय है। और इस दौरान उसे गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, समझ रहे हैं ना, ये शिक्षा उसे दी जाएगी। अब इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है ये शिक्षा किसको केंद्रित करते हुए दी जाती है, तो ध्यान रखना ये शिक्षा देने का माध्यम ये है कि आगे जाके व्यक्ति या तो शासक बनेगा या देश की संरक्षण की व्यवस्था करेगा, यानी एक तरह से हाईली एजुकेटेड डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो आगे देखें, इस शिक्षा के अंतर्गत किसी तरह का ये भेदभाव नहीं रखा गया है कि कौन कमजोर है, आर्थिक सक्षम है, यानी सभी के लिए समान है। अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इस शिक्षा के अंतर्गत ये शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं, और इसे दर्शन शास्त्र की प्रथम पीढ़ी भी समझा जा सकता है। इन्हें फिलोसॉफिक दर्शन शास्त्र की प्राथमिक शिक्षा है वो उस शिक्षा के दौरान ही उनको दी जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आगे देखते हैं, दर्शन के भावी अध्ययन का मार्ग प्रशस्त और युद्ध में उपयोगी होने के कारण गणित को उस शिक्षा में विशेष स्थान प्रदान किया गया है। और ये भी मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि प्लेटो ने ही पहला विश्वविद्यालय यूरोप में स्थापित किया था, उसका नाम क्या है, एकेडमिक, यानी अकादमी, ओके। और इसमें सबसे जो प्रायोरिटी विषय थी वो थी गणित और ज्यामिति। तो अब आप ध्यान रखिए, ये तो होगी उस शिक्षा। अब उस शिक्षा के बाद आगे आपको ध्यान रखना है कि ये 10 वर्ष हो गया है यहाँ पे, अब आगे के 5 वर्ष और यानी 30 से 35 5 वर्ष तक उस व्यक्ति में और कौशल बढ़ाने के लिए उसे द्वंद्व और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, 10 वर्ष उस शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में परीक्षा होती है। यानी देखो, अब इससे वापस इस वाले में आएगा, यानी जिसको द्वंद्व और दर्शन शास्त्र की शिक्षा चाहिए तो इसलिए इसके वापस एक एग्जामिनेशन होगा, और एग्जाम में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति को ही आगे गणित, न्याय, तर्क, दर्शन की शिक्षा दी जाती है। और ये जो 5 वर्ष है वो पूरी तरह से द्वंद्व और दर्शन पर फोकस होंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति को सांसारिक शिक्षा, यानी कहने का मतलब इसके अंदर फिलोसॉफी, दर्शन पर विशेष फोकस किया जाता है। और ये व्यवस्था 35 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। अब 35 वर्ष तक ये पूर्ण हो जाती है, लेकिन प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा है वो 35 वर्ष तक अपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आगे के 15 वर्ष यानी 35 से 50 जो आगे के जो 15 वर्ष हैं उसके अंतर्गत उसके राज्य में व्यक्ति को व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। कौन सी शिक्षा दी जाएगी, व्यवहारिक शिक्षा। तो इस तरह से प्लेटो के द्वारा ये जो शिक्षण व्यवस्था है वो उनके जीवन, व्यक्ति के जीवन क्रम के कितने साल तक चलती है, 50 वर्ष तक। तो मैंने पहले बताया था, ये आप ध्यान रखना, 50 वर्ष तक, ठीक है। तो इस 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षा में खड़े उतरने वाले लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान करने वाले दार्शनिक को ही प्लेटो ने शासक बनने के उत्तराधिकारी माना। यानी कहने का मतलब है, आप एक चीज गांठ बांध लीजिए कि प्लेटो के राज्य में दार्शनिक व्यक्ति बहुत ही मायने रखता है, और उन दार्शनिक व्यक्तियों में ही एक शासक बनता है। तो जो पूरे 50 वर्ष तक सफल हो जाता है, यानी सभी एग्जाम में और सभी तरह की शिक्षा प्राप्त करता है, वही आगे जाके दार्शनिक और उनमें से शासक बनता है। समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले सेबाइन ने क्या कहा है, सेबाइन ने कहा है कि प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित उस शिक्षा का यह स्वरूप सर्वाधिक मौलिक और महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो ने ये जो शिक्षण व्यवस्था बताई है, इन शिक्षण व्यवस्था की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है वो हम अब जानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह से आप एक चीज़ क्लियर रखेंगे कि 50 वर्ष आपके दिमाग में होना चाहिए, और उनका डिवाइडेशन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो आपको इसका डिवाइडेशन पता होना चाहिए, ओके।
ओके तो अब हम देख रहे हैं प्लेटो के अब तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा पद्धति थी, उस पद्धति की विशेषता क्या है, यानी क्या इस पद्धति में प्लेटो की शिक्षण व्यवस्था में क्या विशेष बात है जो जानना है। तो देखिए प्लेटो की शिक्षा पद्धति कई विशेषता है जिनका उल्लेख हम यहाँ पे करेंगे। तो पहली तो पहला पॉइंट तो ये है कि अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत प्लेटो के द्वारा राज्य नीति शिक्षा की व्यवस्था की गई है। पहली व्यवस्था यानी पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान रखेंगे इसका। यानी प्लेटो के राज्य में यह शिक्षण व्यवस्था है पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में रहेगी, ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत शासक वर्ग शिक्षा के माध्यम से नागरिक के चरित्र में सुधार करना और उसमें कर्तव्य के निष्काम संपादन की प्रवृत्ति भी उत्पन्न की जाएगी। सेकंड बात है प्लेटो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, प्लेटो की इस जो शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखेंगे प्लेटो की इस शिक्षा का जो उद्देश्य है यानी ये शिक्षण व्यवस्था बनाई है, इस शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य क्या, प्लेटो ने क्या उद्देश्य रख के ये व्यवस्था बनाई थी, तो ध्यान रखना शारीरिक मानसिक और आत्मिक यानी सर्वांगीण विकास करना। तो समझ आ गया। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये इस तरह के उन्होंने कोरियोग्राफ किया है इस शिक्षण व्यवस्था को, यानी इस तरह से दी है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है। फिर देखिए प्लेटो का अंतिम उद्देश्य न्याय के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है, इस कारण इस शिक्षा योजना में राज्य के तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और तीसरा अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो शिक्षण व्यवस्था है ये एक और पर्पज से भी प्लेटो ने बनाई है या बताई है और इस तरह की व्यवस्था की है ताकि अंततः जाकर वह एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सके। यानी प्लेटो की जो शिक्षण व्यवस्था है इस व्यवस्था का यही एक यानी ये शिक्षण व्यवस्था इस शिक्षण पद्धति की यही विशेषता है कि इसके द्वारा वह एक आदर्श राज्य की स्थापना करने में संभव हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी और विशेषता हो गई। चौथा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, शिक्षा को प्रारंभ में उस प्रकार दो भागों में बांटा गया है और नितांत मनोवैज्ञानिक और ये विज्ञान सम्मत है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि ये एक साइकोलॉजी थिंग को देखते हुए भी शिक्षण व्यवस्था ये जो क्रम है यानी उच्च और निम्न कह सकते प्राथमिक और उच्च शिक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताई है। और नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा पॉइंट, उसकी शिक्षा योजना स्त्री पुरुष दोनों के लिए, इस दृष्टि से इसे एथेंस की शिक्षा पद्धति का एक सुधार कहा जा सकता है क्योंकि एथेंस में सिर्फ पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से जो प्लेटो की शिक्षा योजना है स्त्री पुरुष दोनों के लिए, ठीक है ना, ये व्यवस्था दोनों के लिए है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को उस स्थान दिया, यह नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलात्मक स्वयं करने के लिए तैयार नहीं है, यानी इसमें धर्म और नैतिकता को उच्च स्थान दिया है, आप ध्यान रखेंगे। प्लेटो की शिक्षण व्यवस्था यानी शिक्षा पद्धति में प्लेटो ने धर्म और नैतिकता का भी समावेश किया है क्योंकि पहले कहा है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो भी नैतिकता पर आधारित था। आगे देखते हैं शिक्षा पद्धति की विशेषता एक ये है, एक विशेषता है कि शासन को कला मानकर सुशासन के लिए शासकों के प्रशासन पर बल देना, यानी शिक्षा हो गया एक प्रशिक्षित दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण करना। तो बस ये आप ध्यान रखें, ये जो पांच पॉइंट हैं ये पांच या छह पॉइंट ये आप ध्यान रखिए, प्लेटो के अकॉर्डिंग जो शिक्षण व्यवस्था है जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति की ये विशेषता है, ठीक है ना। बस अगर आपने यही पॉइंट नोट कर लिए ना तो आप मान लीजिए आपका 100% जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा पूरी तरह से बिल्कुल हाँ पूरी तरह से सही होगा, ठीक है ना।
समझ गए हैं। तो ये व्यवस्था यानी ये जो विशेषता है वो प्लेटो के शिक्षा की व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो पॉइंट के रूप में आपके सामने मैंने लिखे हैं और आप ध्यान रखना है। तो अब देखिए कि इस बारे में मैक्सी ने क्या कहा है। तो मैक्सी ने कहा है, प्लेटो की शिक्षा योजना उसके अनेक दृष्टियों से स्पष्ट या आधुनिक लगती है, यानी इस तरह से शिक्षण व्यवस्था आधुनिक परिवेश की तरह लगती है। अब हम कुछ प्लेटो की शिक्षण व्यवस्था को यहाँ पे विशेषताओं की बात की, यानी बहुत अच्छी अच्छी बातों को डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे शिक्षण पद्धति की आलोचना, यानी प्लेटो की शिक्षा पद्धति में क्या कमी रह गई है वो हम देखेंगे। तो आप ध्यान रखना, ये सभी इसको नोट कर लेना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है शिक्षा पद्धति की आलोचना। हम अभी आलोचना करेंगे प्लेटो के शिक्षा पद्धति की। ओके, तो आलोचना का पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और वो है, ये सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं। ये आप समझ रहे हैं ना, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सभी वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं। मतलब अब आप ही समझाइए ये किस तरह से आलोचना हो रही है। सही, बिल्कुल सही आलोचना। क्यों? क्योंकि पहले ही कहा था कि 6 से लेकर 20 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, और वो जो सफल है वही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते। इस तरह से प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है वो सभी वर्गों के लिए बराबर हक की नहीं है, यानी सभी को शिक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दूसरी बात, दूसरा यहां पे पॉइंट क्या है कि साहित्य की उपेक्षा की गई यहां पे, यानी प्लेटो के अब तक की जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, तो इससे आपको यह तो लग गया होगा कि इस शिक्षा योजना में गणित और ज्योतिष को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, और इस तरह से यहाँ पे साहित्य को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया। साहित्य यानी लिटरेचर जो सब्जेक्ट है वो कहीं पे इनके सामने यहाँ पे नहीं आ रही है, क्योंकि साहित्य तो जीवन का दर्पण है, लेकिन प्लेटो ने इस चीज़ का यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। मानव की कोमल भावनाओं को विकसित करने की दृष्टि से दर्शन करने, मतलब एकदम कह सकते हैं कि उनका आत्मिक विकास के लिए साहित्यिक जरूरी है। इस दृष्टि से गणित और दर्शन के साथ कला साहित्य की शिक्षा भी देना जरूरी था, लेकिन प्लेटो ने ये इम्पोर्टेंट नहीं समझा है, तो ये कमी रह गई। तीसरा, कला साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। अनुचित नियंत्रण यानी प्लेटो की शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो कला और साहित्य पर उनका ये जो नियंत्रण है वह सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से व्यक्तित्व की जो और अन्य कला है वो बाहर नहीं आ पाएगी। यानी इसको जानते हैं कि कला साहित्य के विकास की दृष्टि से शिक्षा पद्धति इस रूप में भी अन्यायपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में जकड़कर रखने का प्रयास किया गया है, और इस तरह से स्वाधीन, क्योंकि कला है वो एक नेचुरल होती है, अगर उसको उन्मुक्त यानी बाहर आने के अवसर दिए जाए तभी वो विकास करेगा, लेकिन यहाँ पर राज्य के द्वारा उन पर नियंत्रण है जो अनुचित है। चौथी आलोचना का पॉइंट देखिए, शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला। अब ये तो बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पे आलोचना का पॉइंट। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था, प्लेटो की शिक्षा योजना में हम देखें तो यह जीवन के 50 साल तक तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था ही चलती रहती है, तो इस तरह से व्यक्ति का आधा जीवन तो उसमें चला जाएगा, और इसमें फिर शिक्षा योजना में खर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इस तरह से ये एक शिक्षा का नेगेटिव पॉइंट हो रहा है, क्योंकि शिक्षा क्रम है बहुत लंबा है, और साथ ही साथ ये प्लेटो की शिक्षा है वो बहुत खर्चीली है, और यह हर आम जन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, ये आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है।
वर्तमान समय में भी देखें कि व्यवहारिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, व्यवहारिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो अब प्लेटो की जब हम शिक्षा पद्धति की बात करें तो प्लेटो की जो शिक्षा जो योजना है, ये शिक्षा योजना सैद्धांतिक बहुत अधिक, यानी सिद्धांत रूप में बहुत है, ठीक है ना, प्रिंसिपल कह सकते हैं इसको, सिद्धांतिक रूप में ज़्यादा दिखा गया है, लेकिन व्यवहार में वो इतनी सफल नहीं है। तो इसलिए प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना क्या कहलाती है, आलोचना का पॉइंट क्या है, शिक्षा योजना अधिक सैद्धांतिक है जबकि व्यवहारिक क्रम है, और शिक्षा ऐसी हो जो व्यवहारिक भी ज़्यादा हो और व्यक्तित्व के जीवन के लिए भी वो उचित हो। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे आज का अपना ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसमें हमने बात की है शिक्षा, प्लेटो की शिक्षा पद्धति के बारे में कि शिक्षा पद्धति क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी आलोचना क्या है। तो आप इसको बहुत बहुत अच्छे समझ गए होंगे, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि आपको उसका जो भी